दोस्तों गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज भारत और पाकिस्तान का एक बड़ा मुकाबला था और पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 191 रन बनाए और ऑल आउट हो गई। और आप लोगों ने देखा, भारत ने वापस जवाब में 30.3 ओवर में 192 रन बनाए और रोहित शर्मा ने चौके छक्कों की झड़ी लगा दी और आसानी से मैच जीत लिया। दोस्तों पहले भारत ने टॉस जीता और बैटिंग पाकिस्तान को दी और कहीं ना कहीं भारत का ये निर्णय सही साबित हुआ और आज पाकिस्तान को हरा दिया आसानी से। और आज जिस समय पाकिस्तान भारत के सामने खेल रही थी तो दुनिया को लग रहा था नीदरलैंड जैसी टीम है, क्योंकि आप लोगों ने देखा भारत ने आसानी से 30.3 ओवर में हरा दिया। और दोस्तों मेरे को तो दया आज उन लोगों पर आ रही है जो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्योंकि आप लोगों को पता है भारत ने इन पाकिस्तान के लोगों को वीजा नहीं दिया, क्योंकि आप लोगों को पता है पाकिस्तान के लोगों की छवि किसी भी देश में जावे तो उस देश का माहौल खराब करना, लड़ाई दंगा, ये इन पाकिस्तान के लोगों का पहला काम है। तो भारत भी कहीं ना कहीं इन्हीं वजह से पाकिस्तान के इन लोगों को वीजा नहीं दिया और यही लोग वीजा नहीं देने पर इतना गुस्सा हो गए, सोशल मीडिया पर आकर कहते थे हम भारत को जवाब देंगे 14 तारीख को बैट से। और आज मेरे को पता है वो लोग कहीं ना कहीं कोने में छुप गए, क्योंकि अब वो शर्म के मारे बाहर भी नहीं आ सकते। और आप लोगों को पता है आज पाकिस्तान में टीवियां भी नहीं फूटेगी, क्योंकि टीवी फूटेगी कैसे, आप लोगों को पता होगा पाकिस्तान में बिजली की क्या हालत है। पिछली बार बिजली के बिल इतने आए, आधे से ज्यादा लोगों के तो कनेक्शन कट गए और जो कनेक्शन बचे वो लोग अब बिल के डर से टीवी भी नहीं देख रहे हैं। अब होटलों पर जाकर हजारों आदमी एक टीवी से मैच देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो टीवी फोड़ दे तो इन पाकिस्तान के लोगों को पैसा भरना मुश्किल हो जाए, वो टीवी वापस देनी पड़े, क्योंकि वो तो टीवी होटल वाले की है। तो आप लोगों को पता है पाकिस्तान की करेंसी की हालत क्या है, अगर उसको टीवी खरीद के देवे तो इन लोगों के तो घर बिक जावे। लेकिन दोस्तों आज मजे की बात तो ये है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग जो बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े फेंकते थे सोशल मीडिया पर आकर, हम भारत के साथ में ये कर देंगे वो कर देंगे, आज मेरे को तो हंसी और खुशी भी हो रही है। आज रोहित शर्मा ने इनकी ऐसी बजाई और दोस्तों जो सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी फेंकते थे उनको आज भारत की टीम ने जवाब दिया और खास तौर से रोहित शर्मा ने चौके छक्कों की झड़ी लगा दी और पाकिस्तान टीम को खूब दौड़ाया मैदान में। दोस्तों आप लोगों ने देखा आज का मैच पूरा दुनिया देख रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो इस मैच का इंतजार पूरी दुनिया करती है और करोड़ों आदमी आज मैदान में और टीवी पर देख रहे थे। और आप लोगों ने पता है पाकिस्तान की टीम कहीं ना कहीं प्रेशर नहीं झेल पाई और इन्हीं वजह से कहीं ना कहीं आज 191 पर सिमट गई। और पाकिस्तान की टीम आपको पता है 130,000 लोगों के बीच में प्रेशर झेलना ये भारत के बस की बात है, ये पाकिस्तान की टीम वही है जो छोटी टीम है, चाहे आप लोग नेपाल देख लो, अफगानिस्तान देख लो, नीदरलैंड देख लो, इन लोगों को हरा कर ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड की नंबर वन टीम बन गई। लेकिन आज इन लोगों को औकात पता चल गई वर्ल्ड कप के अंदर भारत और ऑस्ट्रेलिया के सामने। और आप लोगों ने देखा भारत की टीम आज वास्तव में पूरी दुनिया मानती है वर्ल्ड की नंबर वन है आज तीनों फॉर्मेट में, चाहे आप वनडे में देख लो, टेस्ट में देख लो, आप ट्वेंटी में देख लो, आज भारत की टीम नंबर वन है। और आप लोगों को पता है इन पाकिस्तानियों का अबू, चाहे आप रोहित शर्मा, आप लोगों ने देखा आज अबू ने इन लोगों को खूब धोया और खूब दौड़ाया मैदान के ऊपर, आज ये लोग भी कहीं ना कहीं शर्म से मुंह झुका रहे हैं और आज हर भारतीय को गर्व है और अपनी टीम पर। आप लोगों को पता है जिस समय भारत की टीम एयरपोर्ट पर आई थी और उस समय पाकिस्तान की टीम भी एयरपोर्ट पर आई और भारत का आप लोगों को पता है मेहमान का खूब मेहमान नवाजी करते हैं, खूब मान सम्मान देते हैं और पाकिस्तान के टीम को बाहर एयरपोर्ट पर खूब मान सम्मान दिया और पाकिस्तान की टीम को वही मैदान पे इनको दौड़ा दौड़ा के मारा। और यही बाबर आजम रिजवान बड़ी बड़ी बातें करते थे हम ये कर देंगे, हम बैट से जवाब देंगे, बॉलिंग से देंगे, आज इन लोगों को असली औकात बताई और इन लोगों को बता दिया कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है और बाप के सामने बोलने की हरकत की तो आज इन लोगों को इनकी औकात पता चल गई। और अब ये लोग अपनी कम से कम रेंज देके ये लोग नीदरलैंड अफगानिस्तान के बराबर की टीम है दुनिया के सामने साबित कर दिया आज भारत की टीम ने। और कहीं ना कहीं ये हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि ये पाकिस्तान के लोग खूब बड़ी बड़ी फेंकते थे सोशल मीडिया पर हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इससे कहीं ना कहीं सभी भारतीय गुस्सा में। तो आप लोगों को पता है बाबर आजम छोटी छोटी टीमों के सामने खेलकर सेंचुरी बनाता है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लोग घमंड करते हैं बाबर आजम का, और आज पाकिस्तान के लोगों को बाबर आजम की असली औकात पता चल गई होगी
क्योंकि वर्ल्ड कप के सामने बड़ी टीमों से सामना करना पड़ता है और आप लोगों को पता है बाबर आजम वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी नहीं है, वो कहीं ना कहीं छोटी टीमों के सामने खेलकर ही फेमस हुआ। दोस्तों पाकिस्तान का दूसरा खिलाड़ी रिजवान, जो आप लोगों को पता है ओवर एक्टिंग की दुकान है, श्रीलंका के सामने सेंचुरी बनाई और खूब मैदान में ओवर एक्टिंग की, खूब कभी ये किया कभी वो किया, लेकिन आज कहीं ना कहीं इसको भी भारत ने औकात दिखा दी और इसको बता दिया कि भाई आपकी क्या हैसियत है, क्या औकात है, आप छोटी टीमों के सामने खेल सकते हो। और भारत को आज कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान के खिलाड़ी भी सैल्यूट कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं आज भारत के अंदर दीपावली जैसा माहौल है, लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है लोगों में क्रेज होता है भारत और पाकिस्तान का मैच का। और भारत अगर पाकिस्तान को हरा दे तो उस दिन तो हर घर में दीपावली होती है और लोग खुशियां मनाते हैं। और आप लोगों ने देखा दोस्तों इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोगों को खूब मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।